कोरोना के कारण बंद पड़े विकास कार्यों को पुनः चालू करने के निर्देश के साथ सीएमओ ने किया नगर का निरीक्षण। शुक्रवार को सीएमओ संजय चौधरी, इंजीनियर लखन वाघेरा, स्वच्छता प्रभारी दीपक भाटी, राहुल शर्मा आदि को लेकर अधूरे पड़े विकास कार्यों का अवलोकन करने हेतु निकले, जहां अनुमान तालाब पर जन सहयोग से चल रहे गहरीकरण व 48 लाख की लागत से होने वाले घाट निर्माण व सौंदर्यीकरण, तालाब में आने वाले पानी की अवरोध हटाने, डेलची में ब्रह्मानी माता मंदिर के पीछे बन रही पुलिया को जल्द से पूरा करने, डेलची में सभा मंडप का कार व बाउंड्री वॉल का निर्माण अतिशीघ्र करवाने, कड़ोदिया रोड के नालों के अवरोध हटाने आदि के आदेश निरीक्षण के दौरान इंजीनियर लखन वाघेला व स्वच्छता प्रभारी दीपक भाटी को दिए। सीएमओ ने हमारे प्रतिनिधि को बताया कि मेरे मार्कडाउन ज्वाइन करने के दौरान ही कोरोना लॉकडाउन लग गया था, अब कोरोना समाप्ति की ओर है। ऐसे में हम नपा के विभिन्न कार्य जो अधूरे पड़े हैं तथा आगामी वर्षीय ऋतु को देखते हुए नगर के नालों की सफाई का कार्य भी जारी है, जिनका निरीक्षण कर कर्मचारियों को निर्देशित किया है। मार्कडाउन से ललित परमार की रिपोर्ट। देखो, प्राकृतिक आपदा कोरोना काल आने के कारण नगर के अंदर अनेक विकास कार्य, निर्माण कार्य लॉकडाउन के कारण लगभग बंद ही हो गए थे। अब कोरोना काल से राहत मिली है। काफ़ी दिनों से सोच रहे थे इस संबंध में, हमने हमारे जो भी निर्माण कार्य चल रहे थे उन संबंधित ठेकेदारों को पहले मोबाइल के मैसेज देके उनको निवेदन करा, आदेशित किया गया कि आप अपना काम प्रारंभ करें। तो आज उसी श्रृंखला के अंतर्गत हमारी लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर और स्वच्छता प्रभारी के साथ नगर का भ्रमण कर आज सीएमओ साहब और मेरे एवं स्वच्छता प्रभारी द्वारा नगर में जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उनका निरीक्षण किया गया। जो सभी निर्माण कार्य कोरोना के चलते बंद हो गए थे, उन सभी ठेकेदारों को निर्देश किया गया कि शीघ्र से शीघ्र निर्माण कार्य शुरू करें और जल्द से जल्द पूर्ण करें। उसके अलावा नाला भी, ऐसे नाले जिनसे जल भराव होता है बस्तियों में, ऐसे नाले भी सफाई करने की स्वच्छता प्रभारी को निर्देश दिया। और जो निर्माण कार्य थे उनको भी चालू करने का आपने क्या कहा? ठेकेदारों को हमने जैसे कोरोना खत्म सभी को मोबाइल द्वारा सूचित कर दिया गया, एक दो दिन में चालू सभी काम चालू हो गया।